अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? ये क्या स्टाइल है आज मुस्तफा का? आज खुश है। परसों वाले दिन आप खुद डॉक्टर के पास गए, आज उसकी फूफी लेके आए। खुद डॉक्टर बना हुआ है। तो मुस्तफ़ा ने ना डॉक्टर वाला सामान लिया है, तो आपसे वो मेरा बेटा कहता है कि बाबा मैंने भी अपने व्यूवर से शेयर करना है। तो मैंने कहा खोल के दिखाना है। तो अभी मैं बैक कैमरा करता हूँ और आपसे ज़रूर शेयर करते हैं और मुस्तफ़ा का सामान दिखाते हैं भाई। हाँ दिखाओ अपना सामान, दिखाओ अपने व्यूवर को। चेक भी करना ये कानों में लगा था। इसको फाड़ो तो नहीं, ऐसे ही खोल दो ना। ये क्या है? हाँ, ये क्या है? ये किसके हाथ में? ये किसके निकालनी है? हनु तुम्हारा हाथ भी नहीं चलता, तुम्हारे हाथ तो दर्द है जो है। तुमने मुझे बताया था मम्मी, तुमने मुझे बताया था कह रहे आपके निकालूंगा कि तुम्हारे तो दाढ़ में दर्द है। अच्छा और भी दिखाओ ना। ये क्या कैसे लगाते हैं? ये लगा के फिर दिखाओ ना, कैसे चेक करते हैं दिखाओ। ऐसे? अच्छा ऐसे रखते हैं। हाँ। हाँ। मम्मा। उसे और क्या क्या है? और ये कैसे लगाते हैं? ये वो चेक करते हैं। हाँ चेक करो 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 मुस्तफा, चेक करो ऐसे। डॉक्टर के पास बाद में जाऊंगी, पहले मेरा अपना बेटा डॉक्टर बन गया। चलो चेक कराओ। ये किस वाला है? डॉक्टर वाला है। डॉक्टर वाला है? हाँ। वाह जी वाह मुस्तफा, तो भाई पक्का पक्का डॉक्टर बन। बाबा को चेक करो। चेक तो वालो। क्या हुआ? कान के पीछे? चलो चेक करो। नहीं है। कान के पीछे कुछ भी नहीं है। और आप डॉक्टर साहब का चश्मा टूट गया। ये आप नकली डॉक्टर हो, आपका चश्मा भी नकली है यार। नहीं नहीं। हाँ ये अलीला दिखते शीशे नहीं है। शीशे नहीं है। हाँ। चलो मुझे चेक करो, मुझे गर्मी बहुत हो रही है जरा। क्या मसला है? जरा दवाई दो मुझे। आपके बाबा का ना ब्लड भी कुछ ज्यादा तेज हो जाता है। दवाई नहीं है जो लिख को तो दे दो, लिख कर देना मुझे, मैं स्टोर से ले लूंगा। क्या मसला है? तो अभी बुखार है। बुखार है? खाते भी नहीं हो, चाय पीते हो, खाते तो नहीं। खाता कुछ नहीं है? नहीं। चलो अभी खाना भी खाऊंगा, कह रहे खाते कुछ नहीं, आपको बुखार है। चलो फिर अभी दवाई मुझे लिख के दे दो, मैं जाके ले लूंगा। इधर कागज पर लिख कर दे दो मुझे, ये लिखो, ये लिखो दवाई लिखो। या बाबा पेंसिल ले रहे हो? ये पेंसिल है आपकी, ऐसे समझो पेंसिल है, इधर लिख दो मुझे। या पापा इस तो बोला या अली दी पेंसिल लेते हैं। वाली तो स्कूल गया हुआ है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो बड़े मेवे शेवे बना रही हो आज बहुत। ये क्या मेवे? ये लड्डू नहीं है। ये है रेशा कबाब। अच्छा रेशा कबाब है। हाँ। मैंने कहा आज गुलाब जामुन बना रही हो शायद। नहीं नहीं ये रेशा कबाब है, ये लो जो आप फ्राई करो बिस्मा। अच्छा बिस्मा फ्राई करेगी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा ये रेशा कबाब किसके होते हैं? बीफ के। अच्छा बीफ के हैं। हाँ, बीफ के। वैसे तो जिसके बनाओ बन जाते हैं। अच्छा ये बीफ के हैं। हाँ जी ये बीफ के। ये क्या लगा रही हो? ये लगा रही हूँ अंडा। अच्छा और ये है चूरा पापों का। अच्छा पापों का चूरा, माशाल्लाह। फिर जल्द जल्द से खिलाओ ना, मौसम भी अच्छा बना, देखते हैं कैसा है। फिर ऊपर करके दिखाओ।
एक सेकंड, ये वाला है, ये दिखाओ। देखने में तो बहुत मज़ेदार है लेकिन खाने में पता नहीं कैसे। अगर मेरे ये पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अच्छे बने या नहीं अच्छे। ये उन्होंने खाए तो नहीं है ना, खिलाए नहीं, तैयारी से तो पता चल जाता है ना, जब खिलाएंगी तो पता चलेगा ना कैसे हैं। जैसे कि हम होटल पे जाते हैं खाना खाने के लिए तो उनसे तो अच्छे अच्छे ही बने हुए हैं, देखो कितने प्यारे प्यारे बने। हाँ हाँ, ये जब खाएंगे तो पता चले, मुझे तो खिलाओ पहले फिर मैं डिसाइड। तो ऐसे कच्चा खिला दूँ? नहीं नहीं, वो फ्राई करके। हाँ फ्राई आपकी बेटियाँ कर रही हैं क्योंकि यहाँ पे तो मैं बैठ के काम कर रही हूँ। चलो मैं वहाँ जाके देखता हूँ कैसे। वहाँ जाओ और वहीं से खा भी लो और देख भी लो। मुस्तफ़ा को क्या मसला है, ये क्यों रो रहा है? ये कार्टून देखने के लिए फोन मांग रहा है। क्या करने के लिए? ये कार्टून देखने के लिए फोन मांग रहा है, इसीलिए ये रो रहा है। अभी दो मिनट में देता हूँ, एक मिनट में आपने बेटे को फोन दे दूंगा फिर आपने कार्टून। अल्लाह ने तौफीक दी ना, वो जो बड़ा बड़ा क्या होता है टैबलेट, हाँ हाँ उसका नाम नहीं आ रहा था मुझे, मैं हाँ, वही दिला कर दूंगी। चलो मैं देखता हूँ उधर जाके कैसा है, अंदर मेरी बेटियां जो ना बना रही हैं, देखता हूँ कैसा है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अब खाओगे? हाँ वही खाने के लिए तो आया हूँ, और क्या देखने के लिए आया हूँ। जब तैयार हो जाए तो मुझे भी देना, मैं बाहर जा रहा हूँ, अंदर तो बहुत गर्मी है ज़्यादा। हाँ वो तो है लेकिन आप तो मजबूरी है बैठे हैं, लेकिन मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर लेके आना जब पक जाए तो। माशाल्लाह ना आज बहुत ही ज़ोर के बादल बने हुए, बहुत ज़ोर के मौसम, बहुत प्यारा बन गया है। बारिश अभी कभी भी आ सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी हम वीडियो बनाते हैं और देखते हैं बारिश आती तो नहीं है, लेकिन बादल बहुत ज़ोर के बनते हैं। आज दुआ करनी कि आज अल्लाह पाक रहमत दे दे यहाँ पर। बहुत ही प्यारा मौसम बन गया है, तो मेरी बेटी भी वो बना कर अंदर आई है, मैं बाहर किया हुआ था तो मुझे दे दो। टेस्ट करो। माशाल्लाह से शक्ल से तो प्यारे लग रहे हैं, और खाते से दिखाओ, नज़दीक से दिखा रहा हूँ ये। नहीं प्लेट वाले दिखाओ। वो भी दिखाता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ वाकई मज़े के हैं, लेकिन है ज़्यादा गर्म, तो ठंडे कर कर खा लो। एक मिनट खाता हूँ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत प्यारे बने, वाकई बार प्यारे मेरी बेटी ने बनाए। गुड गुड गुड, माशाल्लाह बहुत ज़ोर के बादल बने हुए, बारिश भी आ रही है और बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे खुश हो रहे हैं। मुस्तफ़ा, ज़ैनब, आनिया सब लोग वहाँ पे खेल रहे हैं, मौसम इंजॉय कर रहे हैं। तो बेगम साहब भी बाहर बैठ के मौसम इंजॉय कर रही है मज़े से। मज़ा आ रहा है ना? बहुत मज़ा आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे। ठंडी ठंडी हवा और माशाल्लाह से बादल भी बहुत अच्छे। मैं अंदर सो रहा था तो मैं लाइट चली गई, मेरी आँख खुल गई। अभी बाहर आया तो मौसम यख ठंडा था हमारा। वैसे तो मैं सो रहा था लेकिन जैसे ही लाइट गई और बादल गरजने की आवाज़ आई तो जल्दी से मैं बाहर आया। जैसे बाहर आया तो मौसम बहुत प्यारा बना हुआ था और बच्चे सारे खुश हो रहे हैं, मौसम को देख के इंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम साहब भी बाहर चले और मुझे बाहर नींद आ रही है, कसम से बहुत मज़ा आ रहा है। ये बच्चों की अपनी मौज होती है। बारिश आ रही है ना मुस्तफ़ा? बहुत ज़्यादा शोर है क्योंकि सब लोग बाहर ही ठहरे हैं, वो खेल रहे हैं। तो आज रात को हमारा मैच है टूर्नामेंट का, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मौसम अच्छा था ना, मैंने कहा प्रैक्टिस थोड़ी सी करते हैं। तो बॉल जो है ना इस कोठी के ऊपर चली गई, तो मैंने इन इस बच्चों को कहा कि जल्दी से उतार के ले और फिर खेलते हैं। आ गई बॉल, तो किधर चली गई? ये लो मुस्तफ़ा बॉलिंग करवाओ मुझे, ठीक है? बैट ले आओ, बैट भी ले आओ।
मुस्तफ़ा अभी हमारे साथ ही बॉल उठा रहा था, तो मुस्तफ़ा बॉल उठाने गया और गिर गया, अभी जो है ना रो रहा है, चोट भी लग गई इसको। तो मैंने भी अब जो है ना बस कर दी है, मेरे बेटे को चोट लग गई। तो उम्मीद है आज का व्लॉग हमारा आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।